आप कुछ पूछते नहीं हो। ओम शांति। टोली सारी बहुत से खर्चे होते हैं जो लाखों में पहुंच जाते हैं। मैंने कहा भाई हमारे भाई बहने सब जानते हैं यहाँ पर बाबा की बच्चों की यथाशक्ति से सहयोग होता है, उसी से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हर एक आत्मा अपनी यथाशक्ति से जरूर सहयोग करते हैं। तो उनका तो हमारे पति बहुत बड़ा उद्योगपति है वो, लेकिन मेरे हाथ में कभी पैसा नहीं देता है। हाँ, मेरी हाथ में मेरे मायके से मिला बहुत सोना है, ससुराल से भी सोना मिला हुआ है, और वो मेरे ही हाथ में रहता है। क्या मैं 200-300 ग्राम बाबा की सेवा में लगा सकती हूँ बिना पति के बोले, बिना पति के पूछे? वो कभी नहीं मेरे से पूछता है। तो मैंने, अगर आपने लगा दिया, अगर किसी दिन पूछ लिया तो क्या कहोगे? तो उनको भी संकल्प चलेगा यार, हमें जेल भेजवा देंगे तो इसके क्या तरीका हो सकता है? बताओ माता जी, बताओ। उसकी बहुत देर है। माता जी के अपने हाथ में अपना ससुराल माई के घर से लेके आए, पति का नहीं है, अपने हाथ में है। तो उसमें से दो है, एक निकाल के बाबा की सेवा में दे सकते, अपना है, अधिकार है। पति से निकाला नहीं, मैंने पहले पति के जेब से निकाला नहीं, पति का निकाला तो उसको बताना है। अपना है, अपने हाथ में पहनती है, गले में पहनती है। हमने देखा एक जगह पर सेंटर बन रहा था, एक माता की टोली लेते लेते के भाई जी मेरे पास कुछ, फटाफट सोने का निकाल के पैसे के जगह पर रख दिया। आपके हाथ में अंगूठी है, सोने का है, दो है, एक रखो, एक डालो, दो चैन है। अगर आप समझते दो की जरूरत नहीं है, किसको दिखाना है, भगवान की सेवा में डालो। हाँ, कोई घर में पति भी पूछेगा तो एक है। हाँ, कभी पूछा भी बाद में तो आप बाद में देखो, मुझे इच्छा आए एक दिन भगवान की सेवा में लगा, कुछ नहीं कहेगा, अच्छा है काम दान किया है ना। पूछेंगे तो कहेंगे क्यों देना है पहले, है ना। तो पहले आप कर सकते हो, लेकिन जहाँ आपका अधिकार है, आपकी चीज है, आपके गले में, आपके हाथ में, आप त्याग कर सकते हो। लेकिन घर से पति का जेब से निकाल के दान करना, वो पूछ के, वो चोरी हो जाए। यहाँ आपके सोने पर आपका अधिकार है,